ये है संगम और यहाँ से बनती है गंगा। भगवान राम जी उत्तराखंड की यात्रा में जब आई थी इसी शिला में बैठ के भगवान ने उसका प्राइस रामचंद्र जी ने। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी हम जो है हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में रुके होते हैं ऋषिकेश में। यहाँ से हम यात्रा अपनी शुरू करने जा रहे हैं। यात्रा शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जो है एक जहाँ पे हम यात्रा के लिए जा रहे हैं और एक ऋषिकेश में है, यहाँ से हम यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ से अगर आपको यात्रा शुरू करनी है तो 800 रुपये 1000 रुपये लगते हैं टैक्सी के, जो कि आप यहाँ बाहर से ले सकते हैं, डायरेक्ट आपको हेमकुंड छोड़ देते हैं वो। लेकिन हम जो जा रहे हैं वो बस से जा रहे हैं, तो यहाँ से देवप्रयाग जाएंगे, वहाँ से आगे हम धीरे धीरे जाएंगे, तो इस हिसाब से जा रहे हैं। तो अगर आपको जाना है डायरेक्ट हेमकुंड तो यहाँ से आप गुरुद्वारा में रुक के, जो कि 1 भी रुपये आपके नहीं लगते, एसी वाला अगर रूम लेते हैं आप तो 1000-1200 रुपये रूम चार्ज करते हैं। अगर नॉन एसी लेते हैं तो आपको फ्री में रूम मिलता है, खाना मिलता है, बहुत अच्छी सुविधा है। तो यहाँ से आप यात्रा शुरू कर सकते हैं। चलिए आगे की यात्रा मैं आपको दिखाता हूँ। प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ ऋषिकेश बस स्टैंड, और ये बस है जो हमें देवप्रयाग छोड़ेगी। 200 रुपये पर व्यक्ति चार्ज कर रहे हैं ये, तो देखते हैं कितने देर में हम देवप्रयाग पहुंचते हैं। चलिए हम देवप्रयाग में मिलते हैं। जय श्री केदार। ये है संगम और यहाँ से बनती है गंगा। तो दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग में दो नदियों का संगम होता है, भागीरथी और अलकनंदा। तो हम वहां जाने वाले थे, जो संगम है वो वहां होता है। यहां पे लोग जो है स्नान करते हैं, बहुत ही पावन संगम माना जाता है ये देवप्रयाग का संगम। तो वहां जाने वाले हैं। ऋषिकेश से यहाँ आने के लिए 200 रुपये लगते हैं, बस वाले ने 200 रुपये लिया और 3 घंटे का समय लगा हमें यहाँ पे आने में। तो चलिए हम आपको देवप्रयाग का संगम दिखाते हैं। तो मैं आ गया हूँ देवप्रयाग के संगम पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इधर से अलकनंदा आ रही हैं और इधर से भागीरथी आ रही है भागती भागती। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अलकनंदा कितनी शांत है और भागीरथी कैसे भाग भाग के आ रही है। इस संगम के बारे में बताया जाता है कि भागीरथी जी ने जब गंगा जी को धरती पे लाने के लिए तपस्या करी थी तो गंगा जी के साथ में 33 करोड़ देवी देवता स्वर्ग से यहाँ पे आए थे, और 33 करोड़ देवी देवता जो है इसी देवप्रयाग में वास करते हैं। तो आइए मैं आपको संगम दिखाता हूँ। यह भागीरथी और ये हैं अलकनंदा। इन दोनों के मिलने से जो वहाँ पे बनती हैं उन्हें कहते हैं गंगा। गंगा का जन्मभूमि यही कहा जाता है। वैसे हम कहते हैं कि गौमुख से निकलती हैं गंगा, लेकिन गंगा जो एक्चुअली में बनती हैं वो भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनती हैं। तो चलिए हम इस संगम का आनंद लेते हैं, और यहाँ पे नहाने के बाद माना जाता है कि हमारे सारे दुख दर्द पीड़ा या जो भी हमारे पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। तो चलिए हम इस पवित्र संगम में स्नान करते हैं। और मालूम है कि हम लोग का
तो हमने संगम कर लिया, संगम में नहा लिया। अभी यहाँ पे एक मंदिर है, गंगेश्वर महादेव का मंदिर है। गंगेश्वर महादेव का मंदिर है, अगर आपको पूजा करवानी है तो यहाँ होता है, यहाँ पे होते हैं हवन कुंड वगैरह है तो यहाँ पे हवन होता है। और जहाँ पे राम जी ने तपस्या करी थी तो राम जी की चरण पादुका है, हनुमान जी की चरण पादुका है, वो दिखाता हूँ मैं, आइए ऊपर। ये दिखा, अच्छा ये बड़े वाले हैं, ये बड़े वाले जो हैं वो राम जी की चरण पादुका है, और ये हनुमान जी की चरण पादुका है। हनुमान जी, अच्छा ये हनुमान जी है, ये हनुमान जी है, हाँ हाँ। यहाँ पे तपस्या करी थी भगवान ने, ओके ओके, उनके रावण के वध के बाद यहाँ पे तपस्या करी थी। कहाँ पे ऊपर तो शुभम कैसा महसूस हो रहा है भैया? मजे कर रहा है मेरे साथ में। तो हम संगम से स्नान के बाद यहाँ पे राम जी का मंदिर है वहाँ जा रहे हैं, तो चलिए मैं आपको राम जी के दर्शन करवाता हूँ। तो यहाँ से ऊपर है राम जी का मंदिर, हमें चढ़ के जाना पड़ेगा। तो हमारे लगेज की वजह से, इस लगेज के साथ हम ऊपर चढ़ रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पे रघुनाथ जी के मंदिर में, आप हमारे पीछे देख सकते हैं रघुनाथ जी का मंदिर है, और ये छोटा सा मंदिर है जस्ट उनके मंदिर के सामने, ये गरुड़ जी का मंदिर है, ये गरुड़ जी का मंदिर है। तो रघुनाथ जी के दर्शन के बाद गरुड़ जी का दर्शन करते हैं। तो चलिए मैं रघुनाथ जी का दर्शन करके आता हूँ, वहाँ पर शायद वीडियो बनाना अलाउड नहीं है तो हमें मोबाइल यहीं पर रखना पड़ेगा। जय श्री राम दोस्तों। तो अभी जो हम रघुनाथ जी के मंदिर में आए हैं, हमारे पीछे देख रहे हैं, इसी 1400 साल पहले प्रभु श्री राम ने जब लंका पर जीतने के बाद, रावण का वध करने के बाद यहाँ पे पश्चाताप के लिए आए थे, तो यहाँ पे उन्होंने तपस्या करी थी। आप मेरे पीछे जो वो देख रहे हैं तपस्थली है, वहाँ पे प्रभु श्री राम ने तपस्या करी थी और अपने एक मनुष्य का वध किया था, इसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी थी। तो उसके बाद शंकराचार्य ने इस मंदिर की स्थापना करी थी, रघुनाथ जी के मंदिर की। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।